निराश हो जाते हैं, कहने लगे हमारे घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। आज रानी अपने स्वामी को समझाती है। इधर महाराज दशरथ जब बाहर जाते हैं और जैसे ही सिंहासन पर बैठते हैं तो गुरु वशिष्ठ आ जाते हैं। आज गुरु वशिष्ठ ने जब महाराज दशरथ को चिंतित देखा है तो कहने लगे राजन क्या बात है। आज महाराज दशरथ कहने लगे हे गुरुवर, हमारे घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। आज महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, तुम एक पुत्रेष्ठ यज्ञ कीजिए। आज जैसे ही वशिष्ठ के वचनों को सुना है तो महाराज दशरथ ने एक पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है। आज जैसे ही पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है और यज्ञ की आहुति पूर्ण हो चुकी, उसी समय आज यज्ञ देव प्रकट हो जाते हैं। हाथ में एक पाप को लिए हुए हैं। आज जैसे ही महाराज दशरथ ने उस पाप को उठाया है और महल में आकर के अपनी तीनों रानियों को खिला देते हैं। शुक्रवार कहने लगे हे राजा परीक्षित, जैसे ही उस खीर को तीनों रानियों को खिलाया है तो तीनों रानी गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे सने सने जब समय गुजरता गया है और जब हमारी इस पृथ्वी पर इस भूमंडल पर अत्याचार बढ़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं। इधर आज देवी देवता अपने रूप में आते हैं, आने के लिए तैयार हैं और महाराज तुलसीदास होता है तो प्रवर्तार लेते हैं। आज इस समय पूर्ण होने के बाद में आज मैया कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है, मैया सुमित्रा ने एक पुत्र को जन्म, दो पुत्र को जन्म दिया है और मैया कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कुछ बात सत्ता में आ जाती है कि मैया कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। तो महाराज तुलसीदास ने लिखा है कि जो वो खीर का पात्र था उस पात्र ने जब आधा आधा भाग कर दिया है तो आधे आधे भाग के आधा भाग कौशल्या ने सुमित्रा को दिया है और आधा भाग कैकेयी ने सुमित्रा को दिया है। तो सुमित्रा के दो पुत्र होते हैं और कैकेयी और कौशल्या के एक एक पुत्र होते हैं। आज जैसे ही जिस आंगन में एक पुत्र नहीं था और चार चार पुत्र पैदा हो गए तो कितनी खुशी का अवसर होगा मेरे भक्तों। आज दस दस या बड़े और गाते गाते हैं और सखियां क्या बोली, कि दस दस घर राजा दशरथ के नाम
बताओ कि तुम्हें कतई खुशी नहीं रब को जब हम भर एक ताली बजा ले आपके दर्शन हो जाते मैं कितना भागा हूं जो दिन में हम निकलते नहीं है। चंद्रमा आज बड़ा ही उदास है। बोलिए वृंदावन हिलाल की। आज बालक जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो आज चारों बालकों को महाराज दशरथ विद्या अध्ययन करने के लिए विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। आज कुछ समय तक चारों बालकों ने विद्या अध्ययन किया है बड़े ही लगन के साथ में। प्रभु राम भैया लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, उसके बाद में सुखदेव जी कहने लगे है राजन परीक्षित। जब विद्या अध्ययन हुआ है आज भैया कौशल्या देखते हैं कि हमारे पुत्र विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं, बड़ी ही उदास रहती है हमारे लाल कवार के, बड़ी ही उदास जब रहती है तो कई समझाती है सुमित्रा समझाती है। और जब छोटा बच्चा माँ से अलग होता है तो माँ को चिंता होती है। मेरे भक्त इधर आज जब प्रभु तीनों भाइयों के साथ में विद्या अध्ययन करते हैं, कुछ समय तक विद्या अध्ययन के बाद में जब वापस लौट के आते हैं, आज भैया ने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया है और बड़ी ही खुश होती है। बोलिए वृंदावन हिलाल की। सभी भक्त लोग बड़े ही मन के लगन के साथ में कीर्तन बोले। Oh,
कल्याण परिषद आज चारों भाई विद्या ग्रहण करने के बाद में जब घर आते हैं और जैसे ही मैया ने देखा है बड़ी खुश होती हैं। धीरे धीरे समय 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 गुजरता गया है। इधर क्या हुआ है कि विश्वामित्र जब हवन करते हैं यज्ञ करते हैं तो विश्वामित्र को यज्ञ यज्ञ नहीं करने देते हैं। आज विश्वामित्र परेशान हो जाते हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए आज महाराज दशरथ के पास आते हैं। जैसे ही महाराज दशरथ के पास आए हैं आज महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को बड़े ही शत्रासन पर बैठाला है। हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु क्या बात है। आज उसी समय विश्वामित्र सब जाकर कहने लगे हे राजन हम तुम्हारे पास राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं क्योंकि हम यज्ञ करते हैं हवन करते हैं तो यज्ञ हमें हवन नहीं करने देते हैं यज्ञ का विनाश कर देते हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए हम तुम्हारे बेटा राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। आज जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना है तो हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु आपके ही बालक हैं। आज महाराज दशरथ कौशल्या के पास जाते हैं। मैया कौशल्या ने जैसे ही सुना है हमारे बेटा राम और लक्ष्मण यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र लेने के लिए आए हैं तो आज अपने बेटा को सीने से लगा लेती है। और प्रभु राम ने जैसे ही देखा है उसी समय आज मैया को समझा के कहने लगे